म्यूजिक सो दोस्तों, आ चुका हूँ एप्लीकेशन के अंदर। प्लस आइकन में क्लिक करके ये फुल स्क्रीन का सेटिंग कर लेना और क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना। प्लस आइकन में क्लिक करके मीडिया में क्लिक करके इस फोल्डर ऑप्शन पर कर देना क्लिक। तो जिस भी फोल्डर में आपका फोटो है, फोल्डर को सिलेक्ट करके फोटो को ऐड करना है। फोटो को ऐड करने के बाद थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिल कॉम्बिनेशन एरिया ऑप्शन पर कर देना क्लिक, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसके बाद आपको टेक्स्ट लेयर को ऐड करना है। प्लस आइकन में क्लिक करके मीडिया में क्लिक करके ऐड कर लिया। आपको आ जाना है 1.14 सेकंड्स पर और यहाँ पे आके इस कट ऑप्शन पर कर देना क्लिक और इसे एकदम फास्ट में ले आना है। इसके बाद आपको फ़ोटो में क्लिक करना है और एकदम लास्ट में आ जाना है और इस ऑप्शन पर कर देना क्लिक, तो ये फ़ोटो एकदम लास्ट तक हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको उसी फ़ोटो को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको फिर से लास्ट में आ जाना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे लास्ट तक कर देना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पर कर देना क्लिक और यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। इसके बाद आपने जो सबसे पहले फ़ोटो एड किया हो उस पर कर देना क्लिक और ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी ऑप्शन पर कर देना क्लिक और थोड़ा नीचे आ जाना है कलर ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो लास्ट में है इस पर कर देना क्लिक और इसको 80% रख लेना है। और एक बार बैक आ जाना है इफेक्ट ऑप्शन पर कर देना क्लिक, एड इफेक्ट पर कर देना क्लिक। यहाँ पर ये जो ब्लर है इस ऑप्शन पर कर देना क्लिक और इसका साइज को इतना रख लेना है। फिर से आपको छोटा फोटो में क्लिक करना है और बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस बॉक्स पर क्लिक करके इस ऑप्शन को ऑन कर देना है और इसकी साइज़ को 80 के बराबर रख लेना है और बैक आ जाना है और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है और ये जो फास्ट में है इस फोटो में कर देना है क्लिक। इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर से आ जाना है बिट मार्क पर, ये जो छोटा फोटो है इस पर कर देना है क्लिक। इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको टेक्स्ट की लेयर में कर देना है क्लिक और ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और लाइटन ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रीन पर कर देना क्लिक जो एकदम फास्ट में है और एक बार बैक कर लेना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पर कर देना क्लिक और इसे नीचे की ओर ले आना है ऐसे करके इस जगह पे आके छोड़ देना है और यहाँ पर क्लिक करके इसे थोड़ा बड़ा भी कर लेना है। इसके बाद आपको प्लस आइकन पर कर देना क्लिक, टेक्स्ट ऑप्शन पर कर देना क्लिक और यहाँ पर तीन इमोजी को ऐड करना है। इसके बाद इस कलर ऑप्शन पर कर देना क्लिक और इस ऑप्शन पर कर देना क्लिक और इसको एकदम नीचे की ओर ले आना है और राइट ऑप्शन पर दो बार क्लिक कर देना है और इसे भी एकदम लास्ट तक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पर कर देना क्लिक, यहाँ पे क्लिक करके इसे थोड़ा बड़ा साइज का कर लेना है। फिर इसे नीचे की ओर ले आना है, इस जगह पर रख देना है और एक बार बैक आ जाना है। बॉर्डर ऑप्शन पर कर देना क्लिक, इस बॉक्स पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है, इस साइज़ को 80 के बराबर कर लेना है। इसके बाद आपको इस PNG को ऐड करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पर कर देना क्लिक और इसे ऊपर की ओर ले आना है ऐसे करके और इसे थोड़ा छोटा भी कर लेना है और इसे भी लास्ट तक कर देना है। फिर से प्लस आइकन में क्लिक करके टेक्स्ट में क्लिक करके चार इमोजी को सिलेक्ट कर लेना है, इसे भी एकदम लास्ट तक ले आना है। बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करके बॉक्स में क्लिक करके इसे भी एनेबल कर देना है। वीडियो को ध्यान से देखो, यहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग ऑफ है। फिर से बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, फोटो में क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट कर देना दोनों फोटो पे ही। इसके बाद आपको फिर से सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में आना है और XML इफेक्ट पर कर देना है क्लिक। इस प्लस आइकन में क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। फिर से आना है बिटमार्क पर और इस प्लस आइकन में क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है और इसको भी एकदम लास्ट तक कर देना है और इस शेयर आइकन में क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना।